अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चाय ऐसी हो जो दिन भर की आपकी थकान उतार दे, तभी तो लोग पसंद करते हैं ढाबे पे मिलने वाली पठान की मज़ेदार कड़क खुशबूदार चाय। तो आज हम बनाएंगे पठान की चाय, लेकिन उसकी सीक्रेट पत्ती के साथ जो कि वो चाय को मज़ेदार बनाने के लिए डालता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पठान की मज़ेदार कड़क चाय बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी वो ख़ास पत्ती तैयार करेंगे, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो 2 अदद मेरे पास इलायची है, और 2 काली मिर्चें हैं साबित, और 1 लौंग है। मैं यहाँ पे 3 कप चाय बना रही हूँ, तो ये पत्ती मैं उसी हिसाब से तैयार करूँगी। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप इन सारी चीज़ों को डबल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ। अब आप चाहें तो इसको बारीक ग्राइंडर में पीस लें, या फिर इसको बारीक कूट लें, ठीक है, जैसे भी आपने करना है आप कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास खुशबूदार मसाला तैयार होकर आ गया है। जो पठान की चाय में खुशबू आती है वो इन्हीं चीज़ों की आती है। अब चाय को कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे पत्ती, और ये तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं 3 कप चाय के बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 3 टीस्पून डाला है पत्ती का। बाकी चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चाय चाहिए। तो ये जी स्पेशल पत्ती हमारे पास तैयार होकर आ गई है चाय के लिए। अब आपको पठान की ढाबे वाली चाय चाहिए, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले पठान क्या करता है कि उनके पास जो दूध है उसको बहुत अच्छा उबाल लेता है। इतना उबालता है कि दूध में हल्का सा गाढ़ापन आ जाता है। तो आपने दूध लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने उसको अच्छा उबाल देना है, या फिर 4 से 5 मरतबा आप उसको जोश दे दें, और उसके बाद आप उसका चूल्हा बंद कर दें। थोड़ी देर के बाद दूध के ऊपर इस तरह से बलाई जम जाएगी। तो इस तरीके से सारे ढाबे वाले दूध तैयार करके रख लेते हैं चाय के लिए। तो ये हमारा भी दूध तैयार हो गया है, अब हम इसकी चाय बनाना शुरू करेंगे। मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बलाई को मैंने निकाला नहीं है, बलाई को हम इसी दूध में पकाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो जाए और हमारी अच्छी क्रीमी चाय तैयार हो जाए। अब मैंने दोबारा से इसको 1 सेकेंड जोश दे दिया है। अब देखें, यहाँ पर आपने बात समझनी है, अगर आपको कड़क चाय पसंद है तो पहले आपने पत्ती डालनी है। 2 मिनट आपने पत्ती के साथ दूध को अच्छा पकाना है, जब अच्छा कलर निकल कर आए तो उसके बाद आपने चीनी डालनी है। लेकिन अगर आपको हल्की लाइट चाय चाहिए तो फिर पहले हमने चीनी डालनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पसंद करती, तो यहाँ पे मैं पहले चीनी डाल रही हूँ, और ये 3 टीस्पून या फिर 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी का, या फिर आपको जितना मीठा रखना है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है इसमें पहले अच्छी सी मिक्स हो जाए, घुल जाए, इसका दाना ख़त्म हो जाए। तो ये अब देखें, चीनी इसमें अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। अब देखें, ये दूध इतना अच्छा पक चुका है, आप इसमें जैसे ही पत्ती डालेंगे बेहतरीन कलर आना स्टार्ट होगा। ढाबे वाली चाय की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो तेज़ आंच पे पकती है, तभी उसका अच्छा कलर निकलता है। अब ये जो पत्ती हमने तैयार की थी ये सारी इसमें जाएगी, और पत्ती जाते ही कलर देखें कितना बेहतरीन आना शुरू हुआ है। वजह ये है कि हमने दूध को बहुत अच्छा पकाया है, और तभी फिर आप इसमें जैसे ही पत्ती डालेंगे आपको रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 जोश आप अच्छे से आने दें, मिक्स नहीं करना, पहले 2 से 3 इसमें जोश आने दें, और जब इसमें अच्छा से जोश आ जाएगा 2 से 3, तो इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स कैसे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आपने चाय को ड्रॉप करना है। इससे क्या होगा, इसमें अच्छा फॉर्म भी बनेगा और चाय का कलर बड़ा बेहतरीन आता है। इसके अलावा जो पत्ती हमने इसमें डाली है उसकी जो खुशबू वो तभी निकलेगी जब आप इस पत्ती को अच्छा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें, तकरीबन 2 मिनट मैंने पकाया है। अब देखें कितना बेहतरीन चाय में फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ है, कलर देखें चाय का माशाल्लाह से बेहतरीन आया है। चाय हमारी यहाँ पे तैयार है, और जो मसाला हमने डाला था, जो पत्ती डाली थी, उसको अच्छा पकाएं ताकि उसका फ्लेवर और खुशबू निकल कर आए। तो अब हमने ये चाय निकालनी है अपनी कप्स में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये गर्मा गर्म पठान की ढाबे वाली कड़क चाय तैयार है, वो भी बेहतरीन खुशबुओं के साथ। सीक्रेट पत्ती जो हमने इसमें डाली है, आपको वही खुशबू इस चाय में मिलने वाली है। फॉर्म देखें चाय में बेहतरीन आया है, यही फॉर्म वाली चाय आप पठान के ढाबे पे मज़े लेके पीते हैं। इस चाय में आपको ये जो पत्ती हमने डाली है इसकी बहुत हल्की धीमी सी खुशबू आपको महसूस होगी, जो कि चाय में बहुत मज़ेदार लगती है, और पता भी नहीं चलता कि चाय में क्या डला हुआ है। तो बस आपने इसी तरीके से ये चाय बनानी है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।